हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप सबका फिर स्वागत है मेरे चैनल पर। जैसा कि हर एक नए टॉपिक से आता हूँ, आज एक टॉपिक लेकर आया हूँ। आज हम बात करेंगे कम्प्लीटली वेकेशन फूड या हॉलीडे फूड, वीकेंड फूड, जो भी नाम से, बहुत सारे नाम से इसके, हॉलीडे फूड कहते हैं, वेकेशन फूड कहते हैं, वीकेंड फूड कहते हैं, हॉलीडे ब्लॉग्स भी कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ये किस किस टाइम पे यूज़ इस्तेमाल में आता है और क्या सिचुएशन में आप इस्तेमाल कर सकते हो, किस तरह इस्तेमाल कर सकते हो और कितने दिन तक ये फिशेस को चलेगा, कम्प्लीटली आज हम बात करेंगे। देखिए, अभी तो कोरोना है, कोरोना के टाइम पे भी ये काम आएगा। आप सोच रहे होगे अभी लॉकडाउन पड़ा हुआ है, हम लोग घर में बैठे हुए हैं, अभी कोई वीकेंड पे नहीं जा रहा है, कोई वेकेशन पे नहीं जा रहा, तो ये अभी क्या ज़रूरत पड़ेगी। अभी भी ये ज़रूरत पड़ सकती है। सोचो, अगर आपके पास फूड ख़त्म हो गया, आपके पास कुछ भी नहीं है, हॉलीडे फूड के अलावा कुछ भी नहीं है, या हॉलीडे फूड मिल रहा है आपके पास लेकिन जो नॉर्मल प्लेट्स हैं वो नहीं मिल रहा है आपके फ़िशेस के लिए, तब ये आप लेकर ये हॉलीडे फूड लेकर अपने फ़िशेस को दे सकते हैं। और साथ साथ में अगर आपकी फ़िशेस ट्रीटमेंट में है और आपकी फ़िशेस खाना नहीं खा रही है, आपको लगता है कि 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया खाना नहीं खा रही है, अगर इसके बाद खाना नहीं खाएगी तो फ़िशेस मर जाएगी, उस टाइम पर भी आप डाल सकते हैं। और आपका टर्टल भी है, खाना नहीं खा रहा है, बहुत दिन हो चुका है, 1 महीना तकरीबन या उससे कम हो चुका है, और खाना आपको लगता है कि अगर ये खाना ज़्यादा नहीं खाएगा तो मर जाएगा, उस टाइम पे भी आप ये डाल सकते हैं। ये इनडायरेक्टली फूड प्रोवाइड करता है। जैसा कि एक मरीज़, एक नॉर्मली जनरली बात करें, एक आम इंसान अगर बीमार हो जाए, उसको खाना नहीं दिया जाता, तो ग्लूकोज के द्वारा जब उसको बॉटल लगाते हैं ताकि थोड़ा उसको एनर्जी मिले, थोड़ा बहुत एनर्जी जो है इनबिल्ट उसको, विटामिन या कैल्शियम या जो भी प्रोटीन्स वो आप कह सकते हैं, एनर्जी मिले उसको। तो इसी तरह फिशेस को भी है, टर्टल्स को भी, अगर वो खाना नहीं खा रहे और डायरेक्टली खाना नहीं खा रहे तो ये इनडायरेक्टली डाल सकते हैं। ये आपके फिशेस ट्रीटमेंट में है, खाना नहीं खा रही है, जैसा कि फ्लोवान, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं फ्लोवान 15 दिन से खाना नहीं खा रही है, उसका हेड श्रिंक हो रहा है, क्या कर सकते हैं उस टाइम पे, ट्रीटमेंट के टाइम पे ये एक वेकेशन ब्लॉक या हॉलीडे ब्लॉक डाल दोगे तो 4-5 दिन तक तो आराम से चल जाएगा, फिशेस को इनडायरेक्टली फूड मिल जाएगा और वो बीमार थोड़ा और कम होगी। इस तरह से आप फिट कर सकते हैं। फिट करने का तरीका क्या है, आप इसको डायरेक्ट क्या है, एक ब्लॉक निकाल के टैंक के अंदर डाल देना है। ये क्या होगा, पानी के अंदर बबल रिलीज़ करेगा और ये पानी में घुल जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, पिघल जाएगा। ये पानी के अंदर ये कैल्शियम, विटामिन्स या प्रोटीन जो भी कहते हैं ये सप्लाई करेगा, जिससे फिशेस को भूख नहीं लगेगी और उसको एनर्जी मिलती रहेगी। अगर आप वैकेशन जा रहे हैं, कोरोना के टाइम तो कोई नहीं जा रहा है, मुझे पता है, कोरोना के बाद अगर आप जा रहे हैं कहीं 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और सवाल फर्स्ट ये है कि फ़िशेस विदाउट फूड हैविंग कितने दिन तक रह सकते हैं, मतलब आप अगर फ़िशेस को फूड नहीं देते तो कितने दिन तक वो ज़िंदा रह सकती है। देखिए, जनरली अगर बात करें तो 2 से 3 दिन तक फ़िशेस, सब कोई भी फ़िशेस बात करो, थोड़े फ़िशेस के अलावा, जैसा कि शार्क है वो 22 दिन तक या 21 डेज तक ही विदाउट हैविंग फूड रह जाती है, और जैसा कि बहुत सारे फ़िशेस हैं, लेकिन हम जनरली बात करेंगे ओवरऑल, तो 2 से 3 दिन तक फ़िशेस जो है विदाउट हैविंग फूड के बगैर ही रह जाती है। अगर 2 से 3 दिन तक आप कहीं जा रहे हैं तो वरीड करने की ज़रूरत नहीं, एक बार फूड डाल दो, आप जाओ 2 दिन के लिए, घूमो फिरो आओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 2 दिन से ज़्यादा जा रहे हैं, 7 दिन के लिए, 6 दिन के लिए जा रहे हैं, तो तब क्या करना है, इसको हॉलीडे ब्लॉक को आप पानी के अंदर डाल देना है। और कितनी क्वांटिटी में डालना है वो क्वेश्चन है, कितनी क्वांटिटी में डालना है। अगर आपके पास 1.5 फीट की टैंक है या आपके पास 10 फिशेस हैं, किसी के पास 12 रहती है, किसी के पास 20 रहती है, किसी के पास 3 रहती है, ये फ़िशेस के ऊपर क्वांटिटी मेजरमेंट नहीं होता है, ये मेजरमेंट होता है टैंक साइज़ के ऊपर, या कह सकते हैं या पानी की वॉल्यूम के ऊपर होता है, इतने लीटर के लिए इतने ब्लॉक्स, इस तरह क्वालिटी, इस तरह आप मेंटेन करते हैं। जैसा कि आप 1 फीट की टैंक है तो एक हॉलीडे ब्लॉक डाल दोगे तो तकरीबन 4 से 5 तक चलेगा, चाहे 1 फीट टैंक के अंदर 2 फिशेस रहे, 3 फिशेस रहे, 5 फिशेस रहे, वो कोई चिंता नहीं है, बस पानी की क्वांटिटी के ऊपर ये डिपेंड होता है। अगर आपके पास 2 फीट की टैंक है, 2 ब्लॉक डाल दो तो 7 दिन तक, ये 2 दिन तक ये जो 2 ब्लॉक है वो फिशेस सारा उसके अंदर, चाहे उसके अंदर 10 फिशेस हो, 6 फिशेस हो, 5 फिशेस हो, सबको ये हो जाएगा। अगर आपके पास 3 फीट टैंक है, 3 से 4 डालकर चले जाओ, जैसा कि मॉन्स्टर फिशेस है, बड़ी फिशेस है, 3 से 4 डालकर चले जाओ, तब क्या हो जाएगा, वो 7 दिन तक लास्टिंग करेगा, और ये 7 दिन तक ही चलता है। अगर आप 15 दिन के लिए जा रहे हैं, 20 दिन के लिए जा रहे हैं, तो ये वैल्यू नहीं है, 7 दिन तक ही आप इसको दे सकते हो, या कह लो 7 दिन से, हालांकि इसमें लिखा रहता है कि 15 डेज करके, इसके अंदर वो सबके ऊपर लिखा, बहुत सारे यहाँ पर तो लिखा नहीं है, लेकिन हाँ लिखा हुआ है, देखिए 15 डेज करके लिखा हुआ, लेकिन 15 डेज आप इसके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि फ़िशेस को आप इसमें नहीं डाल सकते। आप 15 दिन तक इसके ऊपर डिपेंड होंगे तो फ़िशेस मर सकती है आपकी, आप चाहे तो डिपेंड हो सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मत करो, लेकिन रिस्की है। 7 दिन के लिए आप लॉस्टिंग करो, अगर आप 30 दिन के लिए, 15 दिन के लिए जा रहे हैं तो बेटर है कि आप, ऑटो फीडर मिलता है जो बैटरी से चलता है, आप उसके अंदर क्वांटिटी मिक्स कर दोगे तो वो महीने भर का फूड देती रहेगी। उसमें अलग अलग मॉडल्स आते हैं, 7 दिन का आता है, 15 दिन का मॉडल आता है, 30 दिन का मॉडल आता है, जो स्टोर ज़्यादा
फिट स्टोर करता है, जो फूड ज़्यादा स्टोर करता है वो वाला ले लो, फिट कर दो, 30 दिन तक आप आराम से कहीं घूमो फिरो, कोई दिक्कत नहीं, आप फिशेस को फूड दे सकते हो। अगर आप 7 दिन से जा रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऑटो फीडर ही इंस्टॉल करो। अगर 7-10 दिन के लिए जा रहे हैं तो आप ये हॉलीडे ब्लॉक डाल सकते हो। इसमें राउंड भी आता है, क्यूब टेप भी आता है, पैरामिड टेप भी आता है, स्टार टेप भी आता है, सब एक ही कंपनी है। टर्टल्स के लिए भी आप दे सकते हो, फिशेस के लिए भी दे सकते हो, मॉन्स्टर फिश के लिए भी आप दे सकते हो, और इससे प्लांट्स को कोई दिक्कत नहीं होती, आप प्लांट्स के टैंक में डाल सकते हो। और आप सोच रहे होंगे कि अगर ये डालकर 7 दिन तक फिशेस को हम फीड दे सकते हैं, नॉर्मल फीड छोड़ के यही क्यों नहीं फीड कर सकते, तो ये भी एक बात आ सकती है माइंड में। तो ये होता है कि अगर आप इसको कंटिन्यू फीड करते रहोगे, पानी में डालते रहोगे, तो पानी का पीएच लेवल भी चेंजेस हो सकता है, जो पानी के अंदर बैक्टीरिया होता है वो भी हार्म हो सकता है, पानी के अंदर जो अमोनिया लेवल है, नाइट्रेट लेवल है, सब इफेक्ट हो सकता है अगर यही बार बार आप रिपीट करते रहोगे। इसलिए कहा जाता है कि जब आप वैकेशन से वापस आते हो इसको डालने के बाद, तो पानी पूरा वाइट रहता है, तो क्या करना है, 50 से 60% पानी निकालना है, फिर नया पानी डालना है, जब क्या होता है वो सही हो जाएगा। आप उसी पानी में, वाइट पानी में हमेशा के लिए फिशेस को नहीं रख सकते। तो इसलिए ज़रूरी है कि कोरोना के टाइम भी अभी आपको लॉकडाउन में खाना नहीं मिल रहा है फिश फूड का, कहीं भी आपको फूड नहीं मिल रहा है, तो इस तरह का आप शायद सब जगह मिल जाएगा, क्योंकि सब जगह स्टॉक रहता है, बहुत कम लोग इसको खरीदते हैं, फूड तो फटाफट खाली होता रहता है, लेकिन ये बहुत कम लोग खरीदते हैं। तो आपके एक्वेरियम स्टोर में, नियरेस्ट एक्वेरियम स्टोर में, या अमेज़न में, फ्लिपकार्ट में, कहीं भी आपको मिल सकता है, ये ले लो। अभी लॉकडाउन के लिए कह रहा हूँ, ले लो, लेके आप हर 4-5 दिन में एक ब्लॉक डालते रहो अपने टैंक के हिसाब से, आपकी फ़िशेस का टैंक जो है उसके हिसाब से आप डालते रहो। अगर आपको डाउट्स है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो कि कितने फ़िशेस हैं, कितनी टैंक, कितनी फीट टैंक है, उसके लिए कितना ब्लॉक्स डालना है, मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो ये बहुत बेस्ट है, ये हर चीज़ में आपको काम आएगा, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट के टाइम पर काम आएगा, फ़िशेस खाना नहीं करते तब भी आप दे सकते हो, और वैकेशन के टाइम पर भी आप फिट कर सकते हो, और चाहे तो आप लॉकडाउन के टाइम पे खाना नहीं मिल रहा है उस टाइम पे भी आप ये दे सकते हो। बहुत सारे कंपनी की आती है, बहुत सारे अनेक कंपनी, में किसी का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पर 2 हैं, एक रेडफिन का, एक चैंपियन का, बहुत सारे अलग अलग कंपनी आती है, सबका एक ही है, सब अपना नाम डाल के चिपका देते हैं, लेकिन अंदर तो मटेरियल एक ही रहता है। कोई भी कंपनी का ले सकते हो, लेके अपनी फिशेस को फीड करो, इस तरह आप अपनी फिशेस को मरने से बचा सकते हो, और फिशेस के जो शॉर्टेज है उसको पूरा कर सकते हो इस तरह से। और ये जब आप हॉलीडे ब्लॉक पानी में डालकर जाओगे तो फिल्टर रन करके रहना है, क्योंकि पानी का फिल्टर जो है पानी को फ्लो करता है, रोटेट करता रहता है, जब ये पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा, ये पानी के अंदर घुल जाएगा, जब पानी पूरा रोटेट होगा तो सबको फिशेस को सप्लाई होगा। वरना क्या होता है, अगर आप फिल्टर नहीं डालते हैं तो जहाँ पर यह बड़ी टैंक है, 3 फीट की टैंक है, उसमें ये ब्लॉक डाले हो, एक ही साइड में ये घुल जाएगा, वहीं पर ये क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी, दूसरे साइड में कम रहेगी, जहाँ पर फिशेस को नहीं मिल पाएगा। इसलिए जब आप हॉलीडे ब्लॉक डाल के जाओ तो फिल्टर भी ऑन रखे जाना है, ताकि वो पानी जो है रोटेट होते रहे, और सबको भी ये कैल्शियम, जो विटामिन या प्रोटीन जो भी इसके अंदर होते हैं, वो फिशेस को मिलते रहे, तो इस चीज़ का भी ध्यान रख लेना है। और लाइटिंग चाहे तो आप, जैसा मैंने कहा कि ऑटो टाइमर सेटर आता है, उसको सेट करके आप घंटों का एक 700 रुपये में कुछ आ जाता है, वो लेके आप फिट कर सकते हो, जिससे लाइटिंग ऑटोमेटिक ऑन होती रहती है, ऑटोमेटिक ऑफ होती रहेगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, इस तरह के बहुत सारे टॉपिक लाता रहता हूँ। अगर इसके बारे में और भी कुछ बचा हुआ जिसके बारे में अभी आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दे दूँगा। फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, इसी टॉपिक के साथ ख़त्म करेंगे, फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय, खुदा हाफिज़।